हे गाइस वेलकम बैक टू न्यू चैनल। दोस्तों फिर से लेकर आ चुका हूं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसी के हिसाब से वैल्यूएबल वीडियो। आज के इस वीडियो में बात करने वाले आईएल टेक केयर एप्लीकेशन के ऊपर। इस एप्लीकेशन से मदद से आप यहां पे अपने पॉलिसीज को चेकआउट कर पाएंगे कि आपका पॉलिसी कितना टाइम रिन्यूअल के लिए बचा हुआ है। इसी के साथ साथ आप यहां पे क्लेम सेटलमेंट करवा सकते हो, फाइल क्लेम कर सकते हो, जिनका भी यहां पे पॉलिसीज अवेलेबल है, जिन यूजर ने कह सकते हो जिन व्यूअर्स ने यहां पे पॉलिसी परचेस कर रखा है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का, चाहे वो हेल्थ पॉलिसी हो या चाहे कह सकते हो हेल्थ इंश्योरेंस हो, मेडिकल इंश्योरेंस हो, जो भी है डेफिनेटली आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो, अपना यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो ई कार्ड डेफिनेटली। तो गाइस कैसे आपको इस एप्लीकेशन को यूज करना है, कैसे आपको पॉलिसी को ऐड करना है, कंप्लीटली मैं आपको ट्यूटोरियल इसी के साथ जानकारी देने वाला हूँ सिंगल इस एप्लीकेशन के बारे में। तो गाइस प्लीज इस वीडियो आप एंड तक बने रहें। सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर पर सर्च आउट कर लेना है आईएल टेक केयर एप्लीकेशन, सिंपली उसके बाद आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको लॉग इन प्रोसेस कंप्लीटली कर लेना है। इस एप्लीकेशन पर आपको किसी भी नंबर से लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद यहाँ पे आपका देखने को नहीं मिलेगा पॉलिसी। तो गाइस सबसे पहले आपको ऐड पॉलिसी पे टैप करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कंपनी या फिर आप यहाँ पर्सनल मी के लिए करना चाहते हो डेफिनेटली मी पे टैप करेंगे। यहाँ पे आप पॉलिसी नंबर ऐड कर सकते हो, कार्ड नंबर ऐड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ, सिंपली आपको अपने जो कार्ड देखने को मिला होगा जब भी आपने रिन्यूअल करवाया होगा पॉलिसी को या फिर परचेस करा होगा, यहाँ पे आपको कार्ड नंबर, पॉलिसी नंबर एंड यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ उसी के हिसाब से फिलअप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऐड हेल्थ पॉलिसी पे टैप करना है। आपका पॉलिसी ऐड हो जाएगा इस अकाउंट में या आपके यहाँ पे इस प्रोफाइल पर। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते होंगे कंप्लीटली यहाँ पे चंद्रकला झा के नाम से यहाँ पे पॉलिसी है, कंप्लीट हेल्थ पॉलिसी फैमिली सम। तो गाइस यहाँ पे पॉलिसी नंबर इसी के साथ साथ वैलिड टिल डेट देखने को मिल जाता है, कब तक एक्सपायर्ड होगा एंड यहाँ पे कितने लाख रुपए का सम एसोर्ड है एंड यहाँ पे आपको कितना रुपीज आपने यूज कर लिया, यूटिलाइज कर लिया, पूरा आपको यहाँ पे डिटेल देखने को मिल जाता है। सिंगल इस एप्लीकेशन से आप पूरा डिटेल चेकआउट कर पाएंगे। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे तो ऑप्शन अवेलेबल है, 5 ऑप्शन, पॉलिसी क्लेम्स होम्स बाय पॉलिसी नेटवर्क। तो गाइस अगर आप पॉलिसी पे टैप करते हो तो यहाँ पे आपको पॉलिसी डिटेल देखने को मिल जाता है, जो भी पॉलिसी आपके इस अकाउंट में एडिट होंगे यहाँ पे आपको पॉलिसी डिटेल देखने को मिल जाता है, मेंबर डिटेल देखने को मिल जाता है। इसी के साथ साथ आप यहीं से ई कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको डेज क्लेम रिमूवल पॉलिसी इस तरीके से ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसी के साथ साथ अगर आप यहाँ पे रिइंबर्समेंट फाइल क्लेम करना चाहते हो तो सिंपली आपको क्लेम पे टैप कर देना है। यहाँ पे आपको फाइल क्लेम इसी के साथ साथ यहीं से आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो अपना क्लेम सेटलमेंट को। तो गाइस अगर आपको इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, अगर आपको चेकआउट करना है, अगर आपको देखना है, पूरा डिटेल जानना है, तो मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। मैंने आपको कंप्लीटली ट्यूटोरियल दे रखा है कि कैसे आपको क्लेम फाइल करना है। इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको ट्रैक योर क्लेम का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आप यहीं से अपना पता कर सकते हो कि आपको अप्रूवल मिला है या फिर डी अप्रूवल मिला है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते होंगे क्लेम्ड बाय अप्रूवल एंड पेड, यहाँ पे मुझे अप्रूवल भी मिल चुका है मेरे क्लेम को। इसी के साथ साथ यहाँ पे मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट भी हो चुका है मेरा फुल अमाउंट। इसी के साथ साथ यहीं से आप यहाँ पे रेज़ रिक्वेस्ट कर सकते हो प्लान हॉस्पिटलाइजेशन के लिए। इसी के साथ माय हिस्ट्री भी चेकआउट कर पाएंगे। इसी के साथ साथ यहीं से आप इस एप्लीकेशन से बाय पॉलिसी न्यू पॉलिसी परचेज कर सकते हो। सिंपली आपको बाय पॉलिसी पे टैप करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक्शन रिक्वायर्ड देखने को मिलेगा, फर्स्ट टाइम, लास्ट टाइम, बर्थ डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी एंड यहाँ पे आपको कंफर्म कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट डिटेल आएगा, सिंपल आपको फिलअप कर देना, आपके यहाँ पे न्यू पॉलिसी परचेज हो जाएगा या फिर उनके तरफ से कॉल बैक आ जाएगा। इसी के साथ साथ अगर आपको चेकआउट करना है नेटवर्क हॉस्पिटल को कि आपके एरिया में कौन कौन से नेटवर्क हॉस्पिटल में आते हैं, तो गाइस सिंपल आपको नेटवर्क पे टैप करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको हॉस्पिटल पे टैप करना है। उसके बाद यहाँ पे आप चेकआउट कर पाएंगे, सिंपल आपको सर्च पे टैप करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पिन कोड के थ्रू एंटर कर देना है, जिसकी मैं आपके सामने यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ। जितने भी नेटवर्क हॉस्पिटल अवेलेबल होंगे उस पिन कोड पर यहाँ पे आपको लिस्टेड हो जाएगा। इसी के साथ साथ आप यहीं से सिटी के हिसाब से सर्च आउट कर पाएंगे, कैटेगरी पर सेलेक्ट आउट कर पाएंगे, इसी के हॉस्पिटल नेम को भी सर्च आउट कर पाएंगे कि वो पर्टिकुलर हॉस्पिटल यहाँ पे इनका नेटवर्क हॉस्पिटल है या नहीं है, स्पेशलिस्ट एंड यहाँ पे आपको और भी बहुत से ऑप्शन देखने को मिल जाता है। या फिर आप यहाँ पे डिटेक्ट लोकेशन पर जब टैप करेंगे तो आपका डिटेक्ट लोकेशन हो जाएगा, आपके नियर बाय नेटवर्क हॉस्पिटल देखने को मिल जाएगा। सो गाइस कुछ यही ऑप्शंस अवेलेबल थे, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे ऐड पॉलिसी करना है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एप्लीकेशन पर, आईएल टेक केयर एप्लीकेशन पर, ताकि आप यहाँ फुल डिटेल ले पाए, पॉलिसी डिटेल ले पाए। और कुछ इस तरीके से आपको नेटवर्क हॉस्पिटल चेकआउट करना था, क्लेम सेटलमेंट करना था। सो गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इससे मत मिलियो इस वीडियो गाइस, प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को देना सब्सक्राइब, कर आप सभी के लिए सिर्फ और सिर्फ आप सभी के लिए कुछ इस तरह वैल्यूएबल कंटेंट लाते रहते। तो गाइस फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।